सो वर्ड बबरन, मैं हूं अलेक्स्ट्रोड, स्वागत आपको और एक नए वीडियो में जहां पे हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं एटीएम 6 टू द स्काई। तो यहां पे मुझे मिला है एक क्यूब, एनर्जी क्यूब मिला है। मैंने कुछ तो क्वेस्ट जो है कंप्लीट की थी या फिर मुझे फ्री में मिला है, तो देख सकते हो यहां पे लोकी थ्रू इट वॉज फ्रोस्पर, कोई भी रहे, बट बेसिकली मुझे एवेंजर की याद आई एंड मुझे ऐसे मन किया कि मैं क्लिक करूँ। सो या ये कुछ मिला है, तो इसको जो है हम लोग अभी चार्ज करने वाले हैं, बिकॉज या तुम लोगों को पता है एटीएम 6 में जो है पावर इम्पॉर्टेंट है। तो चलो वो जो है मैं चार्ज कर लेता हूँ यहाँ पे लगा के। तो ओके, तो ये चार्ज हो रहा है आराम से एक एक करके धीरे धीरे। आगे जाके हम लोग चेक करेंगे कि इसका यूज़ जो है वो क्या करना है आगे। बढ़िया, यहाँ पे देख सकते हो शुगर कैन बढ़ते ही जा रहा है। एंड नीचे यहाँ पे देख सकते हो एक्स्ट्रा मैंने लगाया है कॉम्पैक्टिंग ड्रॉर्स, सामान मेरा बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। एंड ये जो है चेंजेस हुए बिकॉज मैंने जस्ट अभी रिसेंटली अपडेट किया है, तो बहुत वियर्ड नंबर देखेंगे तुम लोगों को पता नहीं कैसे, बट इसको ब्रेक करने के बाद जो है वो अच्छे से हो जाएगा। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे मुझे पता नहीं मेरे ब्लॉग जो है वो गायब हुए कि नहीं हुए, ठीक है, बट काम अभी अच्छे से कर रहा है आफ्टर न्यू अपडेट। तो आयन भी हमारे पास अवेलेबल है जिसके अंदर मैंने ये अपडेट जो है वो डाले है। बाय द वे, स्विमिंग फास्ट करने के लिए मैंने और एक्स्ट्रा जो है सेंटर में डाले हैं सीवर्स, बट पावर जो है मुझे कम पड़ रही है, तो अभी पावर का बंदोबस्त मुझे करना पड़ेगा। बट उसके पहले यहाँ पे तुम लोग चेस चेक कर सकते हो, ज़रा बड़े वाले चेस में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। साइज़ देख सकते हो बहुत ही बड़ी साइज़ है, तो हमारा काम जो है वो आराम से हो सकता है, यानी कि बहुत सारे ओर्स अभी कलेक्ट हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, काम ईजी होगा एंड बेसिकली ऑटोमेटिकली होने वाला है। तो पावर जो है मुझे बढ़ानी है तो मुझे यहाँ पे ऑग्यूमेंट जो है वो एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, और भी जो है डायनेमो के जो भी कुछ अपग्रेड्स रहेंगे वो मैं डालने वाला, वो ढूंढने पड़ेंगे मुझे सबसे पहले। तो एक एक करके ढूंढ लेता हूँ और एफिशिएंसी बढ़ा देता हूँ। ओके भाई, तो मुझे मिल गया डायनेमो डालने के लिए दो जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को चाहिए सिग्नालियम प्लेट एंड सिल्वर जो है गियर। सिग्नालियम ऐसे बनने वाला है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी, बिकॉज ये सारे ब्लॉक जो है एलिमेंट जो है हमारे पास अवेलेबल है। ईजी बिजी लेमन स्क्वीजी एंड दूसरा वाला जो है मल्टी साइकिल इंजेक्टर, ल्यूमियम चाहिए उसके लिए, नाइस। तो वो भी जो है हम लोगों के पास अपग्रेड एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो ईजी काम जो है हमारा अभी होने वाला है। बारे स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ग्लास बनाने के लिए, हार्डन ग्लास बनाने के लिए अलग कुछ करना पड़ेगा, बट नहीं, बहुत इजीली बन रहा है। एंड बाय द वे यहाँ पे चेक कर सकते हो ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए मैंने एक छोटा सा कॉन्ट्रेप्शन बनाया है, खुद से बनाया है चिसल एंड बिट्स यूज़ करके, क्यूल लग रहा है आई थिंक सो। एंड द मेन थिंग इज ये फंक्शनल भी है, जैसे मैं डोर ओपन करता हूँ तो पानी आता है एंड वो चेंज होता है, बट जैसे तुम लोग देख सकते हो अभी तक मैंने पावर का जो है बंदोबस्त किया नहीं है, लावा जो है वो भी कम आ रहा है। तो चलो जल्दी जल्दी से जो है मैं वो काम कर लेता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। वो देख सकते हो बेस पे कौन आए हैं यहाँ पे अभी, ज़ॉम्बी। ओके, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसको मारो तो मारो कैसे, बिकॉज कितने टाइम से जो है मेरा यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो अक्षरशा मैं इकड़े कुर्राड़ छोड़ते हो, ठीक है, एग्स ढूंढ रहा हूँ मैं लिटरली, ठीक है। फाइनली फर्स्ट मैंने मारा था, नहीं इसके मैंने पहले जो है एक बार मैंने मारा है एक को, ये मेरा दूसरा है, दूसरा किल है, नाइस वन। तो चलो भाई ये स्पॉन हुआ, इसका मतलब लाइटिंग नहीं है, तो चलो लाइटिंग का बंदोबस्त सबसे पहले कर लेता हूँ। यहाँ पे टॉर्चेस ढूंढनी पड़ेगी एंड ये टॉर्च है मेगा टॉर्च, ओके भाई बहुत ही ज़्यादा महंगी है, उससे ज़्यादा यही जो है हम लोग टॉर्च यूज़ करेंगे, रिसोर्सेस भी कम लग रहे हैं, सस्ता है, काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा हम लोग लगा देंगे। ग्लोस्टोन चाहिए, इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं है, चलो बना देता हूँ। ओके, तो चार टॉर्चेस मैंने बना दिए हैं, आई थिंक चार जो है वो हो जाएंगे, अगर एक्स्ट्रा भी लगेंगे तो हम लोग लगा सकते हैं बेस में एक्स्ट्रा। कहाँ पे लगाए, क्योंकि कॉर्नर पे जो है वहाँ पे भी देखना पड़ेगा उसका रेडियस जो है वो काम करेगा या नहीं करेगा, एक्स्ट्रा टॉर्चेस निकालनी पड़ेगी उसके लिए। एंड ये टॉर्च मुझे लगानी पड़ेगी, बेस के नीचे लगाए ऊपर, ऊपर ही लगा देते हैं, पता नहीं कैसे काम करेगा, रॉड्स के ऊपर लगा देता हूँ। चलो तुम लोग बताना मुझे कि मुझे कहाँ पे लगाने चाहिए, अभी तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है चलो। ओके, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, तुम लोग बाद में मुझे बता देना। आई थिंक सो सारे का सारा बेस जो है यहाँ पे हो रहा है कवर अप लाइट से। बाय द वे लावा जो है हम लोगों के पास कम था, तो मैंने यहाँ पे सुपर हीटिंग कॉइल जो है वो ढूंढी है, तो अभी वो हम लोग बना सकते हैं। वाई, एलिमेंट्स अभी इजीली हम लोगों को मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैंने सीवर्स लगाए हैं, तो चलो जल्दी जल्दी से मैं सुपर हीटिंग एलिमेंट बनाता हूँ, सारे के सारे जो है मैं अपग्रेड करता हूँ, सो डैट लावा जो है वो जल्दी जल्दी हमारे पास आने वाला है। ओके, तो तुम लोग अभी यहाँ पे चेक कर सकते हो, पावर अभी जो है आराम से आ रही है, लावा आराम से आ रहा है। वाई, स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने जो है सुपर हीटिंग एलिमेंट लगाया है, तो लावा बहुत ही ज़्यादा फास्ट, अभी 3 times फास्ट जो है लावा जनरेट हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा लावा जो है यहाँ पे फिलअप्ड है।
पावर जो है फट से आ रही है। और इवन थोड़े थोड़े मैंने अपग्रेड्स डाले हैं, कुछ कुछ मैंने डाले हैं, एक बार देखने पड़ेंगे किस में। तो 1, 2, 3 अब समझ में नहीं आ रहा है। ओके यस, मैंने 3 इसमें नहीं डाले हैं, 3 बाकी है, बाकी के बाकी जो है पूरे के पूरे फिलअप्ड है, अच्छा खासा पावर दे रहे हैं। बस अभी एक ही जो है प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ कुछ रिसोर्सेस अभी एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है, तो देखना पड़ेगा उनको क्या करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो है हम लोगों को मशीन्स बनानी पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं एनरिचमेंट चैम्बर। चलो जल्दी से मैं ये बना लेता हूँ फास्ट। तो यहाँ पे हमारा बन गया है एनरिचमेंट चैम्बर, इजीली बन गया है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एनरिचमेंट चैम्बर। दिखा सकता हूँ तुम लोगों को कहाँ पे लगाइए, कहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा देता हूँ पूरा का पूरा। यहाँ पे भंडार बनाने वाला हूँ मैं। पावर आ गई है और इसके अंदर कुछ भी अगर मैं चीज़ें डालता हूँ तो स्लोली होने वाले, तो उसमें भी मुझे अपग्रेड्स डालने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। थोड़ा रुकते हैं तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, अभी आने वाला है यहाँ पे प्योर फ्लक्स क्रिस्टल। तो ऐसे ही जो है हम लोग एक एक करके चीज़ें डालेंगे एंड चेक करेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो अभी मैं रखता हूँ बिकॉज एक्स्ट्रा मेरे पास है अवेलेबल, और देखते हैं। ओके भाई, तो एक्चुअली मैं कुछ कुछ चीज़ें जो है वो डबल डबल भी ले सकता हूँ, ये भी यूज़ करने वाला फिर। तो स्टील हम लोगों को बहुत सारा चाहिए, एंड यहाँ पे मैं बनाता हूँ, फिर से मुझे यहाँ पे आना पड़ता है। तो उससे अच्छा जो है मैं स्टील के सीड्स बनाने की सोच रहा हूँ, ईजिली बन जाएंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली जो है मुझे स्टील मिलते रहेगा, स्टील एसेंस मिलेगा, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके लिए हम लोगों को लगेगा स्टील, जो हमारे पास 4 अवेलेबल है, एंड इम्पेरियम एसेंस। इम्पेरियम एसेंस मेरे लिए नया है, उसके लिए कौन से ब्लॉक्स हम लोगों को लगने वाले हैं। टैटियम एसेंस नाम बहुत ही खतरनाक है। इन्फ्यूजन क्रिस्टल, मास्टर इन्फ्यूजन क्रिस्टल है। ओ भाई, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। बाप रे। तो दूसरा वाला हम लोग कुछ यूज़ कर सकते हैं, वो है इन्फ्यूजन क्रिस्टल, ये इजीली बन जाएगा। ये सारे के सारे हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है। डायमंड, ठीक है डायमंड यूज़ होंगे उतने, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये मैंने बना लिया, यहाँ पे 4 बनाने पड़ेंगे टोटल, यस, बिकॉज अलग अलग है। तो शार्ट्स मैंने गलत वाले ले लिए, राइट। प्रॉस्पेरिटी शार्ट चाहिए, तो 16 ले लिए बिकॉज हम लोगों को 4 बनाने हैं। एक नहीं बना और एक, यस, एक बन गया अभी प्रॉपरली। तो पहला हम लोग बना लेते हैं, कहाँ पे गया है इन्फेरियम, एक बार रेसिपी में यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। नॉर्मल वाले बनाने के लिए टेटियम चाहिए, एंड टेटियम जो है उसके लिए चाहिए यहाँ पे और भी ग्रीन वाले, प्रोडिलियम वाले चाहिए, मुझे नाम भी नहीं पता है, बट वो वाली चीज़ें बनाने के लिए चाहिए अभी। वाओ, नॉर्मल वाले चाहिए इन्फेरियम, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत सारे इन्फेरियम लगेंगे। तो चलो, 4 तो हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे। तो आई थिंक सो एक बन जाएगा, सिर्फ एक बन जाएगा। एंड यस, ये इन्फ्यूजन जो है वो यूज़ नहीं हो रहा है, उसका हम लोग मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं लगा देता हूँ बिकॉज अभी सीड्स जो है बना सकते हैं। एक बार मैं रेसिपी देख लेता हूँ, फिर से भूल गया हूँ मैं। तो अच्छा, तो कॉर्नर में स्टील डालने हैं और बाकी जगह पे जो है मुझे एसेंस डालना है, यानी कि इन्फेरियम डालना है। ये लग गया है, उसके बाद स्टील यहाँ पे ही है हमारे पास, 4 ही चाहिए। 1, 2, 3, 4, दैट्स नाइस। सीड्स बनाए नहीं है मैंने, प्रॉस्पेरिटी सीड्स, ये तो आ गया। नॉर्मल सीड्स अभी मुझे लगेंगे आई थिंक से, एक बार रेसिपी, यस, नॉर्मल सीड, व्हीट सीड्स चाहिए मुझे, जो आई होप अंदर रहने चाहिए, प्लीज़ आई होप अंदर रहने चाहिए। एक बार डाल लेता हूँ मैं, यहाँ पे चेक करता हूँ। यस, स्वीट सीड्स दिखे थे, मैंने एक्स्ट्रा कुछ तो डाला है, एक ले लेता हूँ बस। इसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा मुझे बनाने पड़ेंगे या फिर मैं वहाँ पे बना लेता हूँ। ये करूँगा मैं, ओके। और हमारे पास आ गए ये सीड्स, ये डालने हैं मुझे सेंटर पे, एंड पावर करनी है, चलो हो गया डन। और यहाँ पे जादू होने के बाद मुझे यहाँ पे मिलने वाला है सेंटर में स्टील सीड, यप। एंड और एक क्वेस्ट हो गई हमारी कंप्लीट, जहाँ पे मुझे मिलने वाला है फिर से एक बार कुछ फार्म लैंड या फिर कोई भी रैंडम फार्म लैंड। तो मुझे प्रॉपर टीयर 4 का फार्म लैंड यहाँ पे मिला है, और स्टील यहाँ पे अभी आने वाला है ऑटोमेटिकली। तो मुझे अभी एक्स्ट्रा पावर चाहिए, इसलिए हम लोग बनाने वाले हैं मैग्नेटर। तो एकदम स्टार्टर वाले मैग्नेटर से मुझे चालू करना पड़ेगा, रेसिपी ये है। एंड इसके लिए हम लोगों को चाहिए ये चीज़ें, ठीक है भाई, पेस्ट बनानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी से मैं बना लेता हूँ। ऑल राइट, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है, और बाद में मुझे पता चला है कि मेरा माइक जो है वो दूसरा वाला, दूसरे डिवाइस से बेसिकली पिकअप कर रहा था, तो मेरा आवाज़ जो है वो ऐसे गुफा के जैसे आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो ठीक है, चलो बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें की है। तो सबसे पहले बार मैंने यहाँ पे बनाया है स्टोन कटर, मेरा फेवरेट, तुम लोगों को पता ही है वाई,
नए ब्लॉक मैंने बनाए हैं, मार्बल का ब्लॉक बनाया है। मार्बल का ब्लॉक मुझे कहाँ से मिला है, तो डायराइट प्लस ये क्वार्ट्ज इसको मिक्स किया है। एंड डायराइट इजीली मिल नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो फार्म जो है वो इतना बड़ा मैंने कर दिया है। और मैं कभी भी यहाँ पे आता हूँ तो मुझे ये बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे आ रहा है स्टील, यहाँ पे भी स्टील आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है नेदर क्वार्ट्ज, उसके बाद डर्ट सीड, नॉर्मल व्हीट है, वुड है और पोटैटो है। तो यस, मैंने जो है यहाँ पे एडवांस यूनिवर्सल केबल लगाए हैं। तो ये चीज देख सकते हो, वायरलेस हीट ट्रांसमीटर ये लगाया है। तो इसके अंदर जैसे मैं कुछ चीज डालता हूँ, सकते हो वायरलेस हीट रिसीवर, तो वो डालना है, वो लिंक करना है, तो मैं यूज कर सकता हूँ। बाय द वे ऑब्सिडियन फर्नेस मिलो, ये नए वाले फर्नेस है। और यहाँ पे स्पीड देख सकते हो, एक ही टाइम पे मेरे दो दो फर्नेसेस जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड सेम टाइम पे यहाँ पे मेरा जो चेस्ट है वो खाली हो रहा है पल्वराइजर से और दूसरा एनरिचमेंट चैम्बर से। यहाँ से मुझे दो दो चीजें मिलती है, कभी कभी तीन, इससे तीन मिलते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा चीज ये जो तुम लोगों को देखनी है, तो ये मैंने मैग्मेटर बनाया था, मैग्मेटर और भी एक्स्ट्रा मैंने अपग्रेड किया है। तो ये रहता है हमारा नॉर्मल मैग्मेटर, ठीक है, उससे थोड़ा सा अपग्रेडेड, उससे और थोड़ा अपग्रेड, और अपग्रेड, और अपग्रेड, और ये अपग्रेड। तो ये वाला जो है मैंने लगाया है, जो अभी मुझे यहाँ पे पावर देता है मैक्सिमम 2KFE, तो इतनी पावर मुझे दे रहा है। अभी लावा है यहाँ पे बिकॉज ये मैंने लगाया है। तो ये है बायो जनरेटर, तो यहाँ पे देख सकते हो हर एक इसमें जो है जाएगा फ्यूल, यहाँ पे इनपुट कम लगेगा आउटपुट में ज्यादा आएगा। तो ये बायोफ्यूल जो है वो यूज होने वाला है यहाँ पे बायो जनरेटर पे, और बायो जनरेटर का आउटपुट जो है वो यहाँ पे है 280 FE जो है, इतना अच्छा खासा आउटपुट है। तीन लगाए मैंने, लगभग 840 FE जो है मुझे मिल रहा है। एंड बाय द वे ये भी मैंने चीज बनाई है जिसे बोलते हैं, मुझे नाम भी नहीं पता, एनर्जाइजिंग रॉड, और ये है ऑब। तो इसका यूज क्या है, बहुत ही मस्त यूज है, इससे जो है हम लोग नए नए बेसिकली चीजें बना सकते हैं। दिखा देता हूँ बहुत ही इजीली, ये देखो, ठीक है। तो इसका एक्चुअली लगता बहुत ज़्यादा टाइम है, मैंने ये अपग्रेड किया है अच्छा खासा, इसलिए इसको इतना दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैंने एनर्जाइजिंग स्टील बनाया है दो, तो ऐसे ही जो है धीरे धीरे करके मुझे अपग्रेड करने थे। तो इस इतने सारे मैंने अपडेट्स कर लिए हैं। आई होप नेक्स्ट टाइम जो है मेरा ऐसे कुछ इशू होने वाला नहीं है, डिवाइसेस का इशू होने वाला नहीं है। एंड मेरी गुफा के जैसे मैं गुफा में बैठा हूँ वैसे आवाज़ आने नहीं वाली है बेसिकली, तो वो भी मुझे देखना है, सारी की सारी चीज़ें करनी है। आई थिंक सो हम लोग अभी राइट ट्रैक पे है, तुम लोग मुझे बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं या वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।